आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे फरियादी की पिटाई झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह के बॉडीगार्ड ने कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोग विरोध में धरना पर बैठ गए, जिसे लेकर कार्यक्रम में तनाव उत्पन्न हो गया। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 10 दिसंबर को झरिया अंचल के पाथरडी सुतुकडी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से झरिया सीओ परमेश कुशवाहा और विधायक पूर्णिमा सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान फरियादियों की काफी भीड़ लग गई। सभी फरियादी अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष साधन महतो अपने ग्रामीणों के साथ समस्या को लेकर पत्र देने आए थे, तभी झरिया विधायक के बॉडीगार्ड ने उनकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद साधन महतो और स्थानीय महिलाएं आक्रोशित हो गई और धरने पर बैठ गए। साधन महतो भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद सुमित सुपकार के कहने पर हमें सीओ के पास जाने से रोका गया और झरिया विधायक के बॉडीगार्ड के द्वारा हमें और महिला के साथ मारपीट किया गया। कहा कि जन समस्या के लिए कैंप लगाया गया था, अगर समस्या लेकर उसमें गए तो क्या गुनाह किया था, क्यों हम लोगों को रोका गया और पिटाई करवाई गई, और कहा कि विरोध में हम लोग तत्काल भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उन लोगों को जवाब देना होगा कि आखिर हम लोगों पर हाथ क्यों छोड़ा गया। हम लोग पूरा ग्रामीण मिलके आज यहाँ जर समस्या का एक कैंप लगाया गया था सीओ साहब की तरफ से। उसमें हम लोग एक पूरा ग्रामीण पिटीशन लेकर आए थे कि इस वार्ड में क्या क्या समस्या है। ये पिटीशन हम लोग सीओ साहब को देने के लिए अंदर गए थे। सीओ साहब को जब ये पिटीशन दे रहे थे तो यहाँ का जो पार्षद है वो बोला कि आप लोग बाहर जाइए। आखिर क्यों बाहर जाएंगे? कौन पार्षद? किस कारण से बाहर जाएंगे? यहाँ का पार्षद कौन है? पूरे पार्षद, जो पार्षद नहीं है पूरे पार्षद सुमित सुपकार ने कहा। उसके बाद जब हम लोग पिटीशन देने गए, सुनिए, जब हम लोग पिटीशन देने गए अंदर में सीओ साहब को पिटीशन दिए, तो उसके बाद यहाँ के जो विधायकी है उनके बॉडीगार्ड को बोला गया, उनका बॉडीगार्ड जैसर महिला के ऊपर हाथ छोड़ा और बोला कि आप लोग बाहर जाइए, आप लोग मेरा वोटर नहीं है, ये गलत हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है, इसका प्रतिवाद हम लोग करेंगे और अभी हम लोग यहीं पर भूखे हड़ताल बैठेंगे। क्यों हाथ छोड़ा? उनका बॉडीगार्ड का क्या अधिकार है? सीओ साहब को पिटीशन देने के तो उसको बॉडीगार्ड क्यों हाथ छोड़ा? क्या नाम हुआ उनका बॉडीगार्ड का? बोले जवाब दे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ साधन महतो, मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष, ग्रामीण संयुक्त मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष और जनता मजदूर संघ का एरिया सेक्रेटरी हूँ। देखिए, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है जिसका संचालन 15 नवंबर से किया जा रहा है और झरिया विधानसभा में आज से इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ पर जो लोगों की आमजनों की जो समस्याएं हैं, पेंशन से रिलेटेड है या आपका नगर निगम से जो रिलेटेड है, क्योंकि झरिया नगर निगम में है, उनसे जो सारी संबंधित समस्याएं हैं आपकी, राशन हो, पेंशन हो, स्वास्थ्य हो, वैक्सीनेशन हो, जो है उनसे सारी समस्याओं का जो है यहाँ पे जो है निवारण हो रहा है और अगले 24 घंटे में जो भी जाएगी पेंशन की है उनकी स्वीकृति हो जाएगी। बहुत सारी योजनाओं का जो है जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है, तो उसके तहत ही जो है आज कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। सभी से अपील करूंगी कि आने वाले समय में जो है झरिया विधानसभा में चूंकि शुरू हो चुका है तो वार्ड नंबर 34 से लेकर जो है वार्ड नंबर 52 तक जो है 28 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो सभी लोग चढ़ बढ़ के इसमें जो है भाग लें और उनकी जो भी समस्याएं हैं वहां जाकर विभिन्न स्टॉल जो लगे हैं वहां पर जाकर अपने सारी समस्याओं का जो है निवारण करें और वहां पर संबंधित पदाधिकारी जो है जिले के नगर निगम के सेविकाएँ सहियाएँ वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी हेल्थ कार्ड के लिए सभी लोग रहेंगे, अपना सारा काम जो है वहाँ पर ज़रूर से करवाएंगे। दो पक्ष थे, उसके बीच में आपस में विवाद हो गया था, उसका समाधान किया गया है और जो भी उसमें जिनको शिकायत है उसको आवेदन के लिए बोला गया है, उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। स्ट्रीट बस की खबरों को लगातार देखने के लिए स्ट्रीट बस को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।